हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो T2 यक्स डिवाइस के अंदर आप लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों आप अपने फोन में लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों लाइट इफेक्ट होता है जैसे आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो आप इनकमिंग कॉल के साथ अपने लाइट इफेक्ट को सेट करेंगे तो आपके डिस्प्ले के चारों तरफ एक लाइन लाइट जलेगा और आपके जो डिस्प्ले हो काफी अच्छा लगेगा। तो उसको आप कैसे सेटिंग करेंगे, कैसे यूज करेंगे और जो लाइट है उसमें इफेक्ट कैसे लगाएंगे और जो लाइट का कलर है उसको आप चेंज कैसे करेंगे, उसमें बहुत सारे कलर मिलते हैं, आप उसको कलर को कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए अपने सेटिंग में जाते हैं, वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग करना है। दोस्तों आप देख रहे हो हमारा डिवाइस है, यहाँ पे शो हो रहा है अपने डिवाइस से, हम आपको बताएंगे आप अपने फोन में लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर में अपने सेटिंग को ओपन करना है, तो हमने यहाँ पे अपने सेटिंग को ओपन कर लिया। आप देख रहे हो हमारा सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाता है और सेटिंग में आपको कुछ सेंटर फेस देखने को मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, नीचे आपको मिल जाएगा डायनेमिक इफेक्ट। आप देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है डायनेमिक इफेक्ट, आप देख रहे हो वो ऑप्शन है डायनेमिक इफेक्ट, तो आपको उस पर क्लिक करना है, योलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ऑप्शन आ जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, आप देख रहे हो ऑप्शन आ रहा है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं। दोस्तों हो सकता है आपके फोन में ये सेटिंग ना भी हो क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, अगर ये ऑफ होगा तो आपके फोन में जो सेटिंग है ये शो नहीं होगा, तो आपको इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे आपके फोन में जो सेटिंग है ये सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो आप देख रहे हैं हमारे फोन में जो सेटिंग है सभी यहाँ पे शो हो जाते हैं। आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलता है कस्टम टाइम, अगर आप टाइम लगाना चाहते हैं टाइम के हिसाब से भी इसको यूज कर सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे टाइम क्योंकि जो लाइट इफेक्ट है वो आपके इनकमिंग कॉल के साथ में चलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई जरूरत नहीं, जब भी आपके पास इनकमिंग कॉल आएगा तभी ये लाइट इफेक्ट वहां पे जलेगा। तो चलिए नीचे आते हैं, नीचे आपको मिलता है इनकमिंग कॉल्स का ऑप्शन और उसके आगे थोड़ा सा बटन है जिसको आपको इनेबल करना है, ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है। जब आप इसको इनेबल करेंगे नीचे एक ऑप्शन है लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, तो ये शो हो जाएगा यहाँ पे, आप देख रहे हैं ऑप्शन है लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, ये यहाँ पे शो हो जाएगा और आपको इसको क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाइट इफेक्ट है वो सेटिंग करने को आ जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाइट इफेक्ट है यहाँ पे सेटिंग करने को आ जाता है, तो आपको यहाँ पे अपने इफेक्ट को मैनेज करना है, कौन सा इफेक्ट आपको यूज करना है, कौन सा कलर का लाइट आपको यूज करना है, ये चीज यहाँ पे आपको मैनेज करना है। तो आप देख रहे हैं आपको इफेक्ट ऐसे चॉइस कर लेना है कौन सा इफेक्ट आपको यूज करना है, आप देख रहे हैं सभी इफेक्ट यहाँ पे है, आपको जो भी अच्छा लगता है अपने हिसाब से मैनेज कर लें। और इसके बाद आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है, आपको कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कलर चॉइस करने को आ रहा है, तो आपको कलर चॉइस कर लेना है, जो भी कलर का लाइट आपको लगाना है अपने हिसाब से यहाँ से लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे इफेक्ट को चॉइस करके इसके बाद आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, आपको कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे कलर सेटिंग करने को आ जाए, जो भी कलर आपको लगाना है आप अपने हिसाब से कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन है, आपको कस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गोला सा आ जाता है, इसमें बहुत सारे कलर हैं, तो आपको अपने हिसाब से कलर बना लेना है कौन से कलर का आपको यूज करना है, यहाँ पे इस तरह से अपनी उंगली को घुमाना है, इसके बाद उस कलर का जो लाइट है आपके फोन में सेट हो जाएगा, देख रहे हैं आप इसे उसी कलर का यहाँ पे लाइट जलेगा जिस कलर का आप यहाँ पे बनाएंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है, तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही ओके करते हैं हमारे फोन में ये सेट हो जाता है, और इसके बाद आपको अपने कलर को इफेक्ट को इस तरह से मैनेज कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे मिल जाता है अप्लाई का ऑप्शन, तो आपको अप्लाई कर देना है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, हमारे फोन में ये सेट हो जाता है। जब भी हमारे पास इनकमिंग कॉल आएगा जो हमारा लाइट इफेक्ट है वो हमारे फोन में जलेगा, हमारे डिस्प्ले के चारों तरफ एक लाइन लाइट बन के चलेगा और काफी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फोन में लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका हो कि इस तरह से आपको अपने फोन में लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल सेटिंग करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।